2023 YouTube मोनेटाइज पॉलिसी चेंज होने की वजह से मोनेटाइज के लिए चैनल अप्लाई करना हुआ और भी मुश्किल। बहुत लोगों के चैनल्स मोनेटाइज से रिजेक्ट कर दिए गए हैं अभी मोनेटाइज अप्लाई करने के गलत तरीके से। एक YouTube को सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? उसके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर 4000 वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है। चैनल को मोनेटाइज होने में कितना टाइम लगता है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि चैनल को मोनेटाइज के लिए अप्लाई कैसे करें, तो सब बताऊंगा यार। एंड सबसे जरूरी बात, चैनल को मोनेटाइज के लिए अप्लाई करने से पहले इन बातों का जरूर ध्यान रखना जो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। सो वीडियो को पूरा जरूर देख। सबसे पहले हमको YT स्टूडियो में जाना है, यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर हमको 3 ऑप्शन मिलते हैं जिनको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करें, यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है और नीचे आ जाना है। आई एग्री पर क्लिक करके चेक बॉक्स को फिल कर देना है। फर्स्ट वाला तो बहुत सिंपल था जो कि तुरंत डन हो जाता है, पर सेकंड और थर्ड बहुत हार्ड है भाई। तो सबसे पहले हम सेकंड को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछेंगे कि आपके पास एडसन अकाउंट है या नहीं, तो फर्स्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरे पास एडसन अकाउंट है। सेकंड पर क्लिक करते हो तो मेरे पास एडसन अकाउंट नहीं है। थर्ड पर क्लिक करते हो तो मुझे पता नहीं कि एडसन अकाउंट है या नहीं है। ऑलरेडी एडसन अकाउंट बना हुआ है तो मैं फर्स्ट पर क्लिक कर दिया। एंड जिस जीमेल आईडी से आपका एडसन अकाउंट बना हुआ है उसी जीमेल पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन नेक्स्ट आने के बाद आपको नीचे सबमिट कर देना है। यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट कर देना है एंड यहाँ पर अपना सही सही एड्रेस डाल देना है। एड्रेस आपको सही पता नहीं है तो अपने आधार कार्ड पैन कार्ड में चेक कर लेना और वही अपना एड्रेस डाल देना है। अब आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ऑटोमेटिक बैग आ जाओगे यहाँ पर प्रोसेस शो होने लगेगा जो कि 24 घंटे या 48 घंटे तक का टाइम लेगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जो भी करना है यूट्यूब करेगा। एंड जैसे ही सेकंड स्टेप तुरंत डन हो जाएगा तो ऑटोमेटिक थर्ड स्टेप पर ऑटोमेटिक प्रोसेस पर चला जाएगा। इसके भी लगभग 24 या 48 घंटे तक का टाइम लगेगा, मतलब टोटल 5 डे। ऐसे में नहीं हम सही से सो पाते हैं, नहीं सही से रो पाते हैं। मन में डर बैठा रहता है कि यार चैनल मोनेटाइज होगा भी या नहीं। पर जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ ना, उन बातों का आप ध्यान रखोगे तो डरने वाली कोई बात नहीं रहेगी। बिना सोचे समझे आप चैनल को मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर सकते हो। पॉइंट, किसी और का वीडियो कॉपी नहीं करना है। सेकंड पॉइंट, कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, रिपीटेड कंटेंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक ही वीडियो को आपने दोबारा अपने चैनल पर अपलोड कर दिया, चाहे वो टाइटल हुआ थंबनेल हुआ, सेम कंटेंट नहीं होना चाहिए, वरना आपका चैनल मोनेटाइज कभी नहीं होगा। सो फाइनली आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, बट यही बात खत्म नहीं हो जाती। सबसे पहले आपको अपने YT स्टूडियो में जाना है, यहाँ पर आपको मोनेटाइज पेज पर क्लिक करना है। देन गेट स्टार्टअप पे जाके आई एग्री पर क्लिक करके सबमिट करके सभी को इसी तरह से इनेबल कर देना है। चैनल को वायरल करवाना है तो स्क्रीन पर जो थंबनेल शो हो रहा है आप वहां पर क्लिक कीजिए, मैं आपको वहीं पर मिलूंगा। एंड वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।